बचपन में जैसे कई बार जीवों के प्रति, चूंकि आप ऐसे एरिया में रहती थी, कई बार हम लोग जब अपने लाइफ में, लोग कहते थे कि भाग जाओ, जो है डराते थे कि मतलब हाथी आ जाएगा, या इस तरह का बचपन में कुछ आपको डराया जाता था कि सो जाओ नहीं तो जो है सियार आ जाएगा जी। प्रकृति की गोद अगर कहें तो वो है, क्योंकि लखनऊ भर में अगर कहीं इस तरह का प्राकृतिक वातावरण है एक ही दो जगह है, और सबसे पुराना अगर कोई प्लेस इस तरह का है जहाँ वन्य जीवों के लिए इतनी व्यवस्थाएं की गई हैं और तमाम लोग देखने आते हैं, चिड़ियाघर है ये जहाँ हम बैठे हैं, तो लखनऊ का बड़ा खूबसूरत जगह है ये। हाथियों को लेकर जी आप में बड़ी रुचि रही और आपने तमाम ऐसी जगहों पर उनको प्रोटेक्ट करने का भी प्रयास किया जी, तो क्या ऐसा लगता है कि समाज में, नेचर में जो हाथी रहते हैं, वाइल्ड लाइफ के जो जीव हैं, उनसे आप इंटरेक्ट जो पब्लिक का होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और आज बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रही हैं जो जीवों के प्रति सद्भावना रखती हैं, उनके लिए बहुत कुछ करती हैं, उनके बचाव के लिए, उनके संरक्षण के लिए लगातार प्रयत्नशील हैं। जी हाँ, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं IFS अदिति शर्मा जी, जो 2006 बैच की IFS अधिकारी हैं। कई जिलों में आपने काम किया है, वन्य जीव संरक्षण के लिए लगातार निरंतर प्रयत्नशील रहती हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, एंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने मुझे आज इस चैनल के इंटरव्यू के लिए यहाँ आमंत्रित किया। थैंक यू मैम। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी लाइफ की शुरुआत कैसे हुई, एजुकेशन कहाँ से हुआ, कैसे आप IFS की तरफ उन्मुक्त हुई, तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा जी कि अर्ली लाइफ यानी कि बचपन कैसा बीता, कैसे इतना लगाव जीवों से हुआ आपका जी। देखिए, मैं एक ऐसे प्रदेश से रहने वाली हूँ जहाँ 60% एरिया उसका जंगल है और उसका नाम हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में एक शिमला के पास छोटी सी जगह है चायल, जहाँ पे हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड आपने सुना हो वो उसी के लिए फेमस है, जो एक सेंचुरी क्षेत्र भी है। तो मेरा जन्म ही ऐसी जगह पे हुआ जो चारों ओर से जंगल से घिरा था, वन्य प्राणियों से घिरा था। तो जब हम बड़े होने लगे तो स्कूल गए, स्कूल में वहाँ पे एक आर्मी प्राइमरी पब्लिक स्कूल था, वहाँ से मेरी 5th तक की एजुकेशन हुई। लेकिन बीच में एक ट्विस्ट आया कि उन्होंने कहा कि 6th ऑनवर्ड्स जो है वो गर्ल्स के लिए उस स्कूल में एडमिशन नहीं होगा और बॉयज के लिए खाली एडमिशन होगा। देन आई शिफ्टेड टू दी गवर्नमेंट स्कूल, और वहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल था, सरकारी स्कूल था, वहाँ पे मैंने शिफ्ट किया और 10th स्टैंडर्ड मैंने वहीं से पास किया। फिर मैं 11th और 12th करने के लिए शिमला चली गई, एक पोर्टमोर स्कूल के नाम से एक लड़कियों का स्कूल है, जहाँ से मैंने अपनी 12वीं की परीक्षा पास की। और फिर उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद ये धीरे धीरे सोचा कि अब कुछ और करना चाहिए, तो मेरा सिलेक्शन हिमाचल प्रदेश वन सेवा में हो गया। तो मैं एज रेंज ऑफिसर, मैं 2 साल मैंने अपनी सेवाएं हिमाचल प्रदेश में भी दी और तब साथ साथ तैयारी करती रही। इन द मीन टाइम आई मेट माय हस्बैंड और वो तब IFS की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया, तो मैंने IFS की तैयारी की और मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो था 2006 बैच के लिए सिलेक्शन हो गया। अच्छा मैम, बचपन में जैसे कई बार जीवों के प्रति, चूंकि आप ऐसे एरिया में रहती थी, कई बार हम लोग जब अपने लाइफ में, लोग कहते थे कि भाग जाओ, जो है डराते थे कि मतलब हाथी आ जाएगा, या इस तरह का बचपन में कुछ आपको डराया जाता था कि सो जाओ नहीं तो जो है सियार आ जाएगा, सो जाओ नहीं तो हाथी आ जाएगा। नहीं, हमारे घर का माहौल थोड़ा डिफरेंट था। हम लोग 3 सिस्टर्स हैं और एक ब्रदर है, और मेरे फादर का जो एटीट्यूड था वो काफ़ी मोटिवेशनल था। बहुत छोटी जगह के हम रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने पहली बात जो आज की इस परव्यू में बहुत आवश्यक है कि लड़के लड़की में भेदभाव वो हमारे घर में नहीं था, और दूसरा ये डराना, और मेरी मदर जो मुझे बताती हैं कि मुझे बर्फ़ से बहुत डर लगता था क्योंकि हमारे यहाँ बर्फ़ पड़ती थी, तो मेरी मदर ने एक बार मुझे उठाया, बाहर बहुत सारी बर्फ़ पड़ी थी और मुझे उठा के बर्फ़ में रख दिया ताकि मेरा डर जो है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद से मुझे याद नहीं पड़ता कि मुझे किसी चीज से कभी डर लगा हो, तो शायद वो भी एक रीजन हो सकता है कि मैं इस सेवा में आई। बट उसके पीछे मात्र यही रीजन नहीं है, वन्य जीवों के प्रति प्रेम, और क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन भी ऐसे कॉलेज से हुई जहाँ पर इन सब चीजों की शिक्षा दी जाती थी। और उसके बाद जब मैंने एज रेंज ऑफिसर ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि इसमें और भी आगे बढ़ने की
और अपेक्षाएं मुझसे की भी जा रही थी और मैं बढ़ भी सकती थी, तो मैंने तैयारी की और मैं फिर इस सर्विस में आ गई। अच्छा मैम, आज हम जहाँ बैठे हैं जी, प्रकृति की गोद अगर कहें तो वो है, क्योंकि लखनऊ भर में अगर कहीं इस तरह का प्राकृतिक वातावरण है एक ही दो जगह है, और सबसे पुराना अगर कोई प्लेस इस तरह का है जहाँ वन्य जीवों के लिए इतनी व्यवस्थाएं की गई हैं और तमाम लोग देखने आते हैं, चिड़ियाघर है ये जहाँ हम बैठे हैं, तो लखनऊ का बड़ा खूबसूरत जगह है ये। कोई भी व्यक्ति, मैं खुद जब भी लगता है कि लो फील कर रहा हूँ या इस तरह का प्राकृतिक, तो दो ही जगह में जाता हूँ, एक तो जनेश्वर मिश्रा पार्क या फिर दूसरा यहाँ, क्योंकि जनेश्वर मिश्रा पार्क मेरे घर से नजदीक है, लेकिन जब मैं ऑफिस के पास होता हूँ या जा रहा होता हूँ तो मन करता है कि यहाँ आके बैठ जाऊं। जी, यहाँ आने से पहले किन किन जगहों पर आपने सर्विस दी और क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा? खासकर पब्लिक में एक जो बात चलती है कि वन्य जीवों को लेकर के बहुत जागरूकता नहीं है, तो इस चीज को लेकर के आप कितना मोटिवेट करती थी लोगों को और क्या बदलाव आप देख पाएंगे? जी देखिए, जब मैंने 2008 में, क्योंकि 2 साल की हमारी ट्रेनिंग होती है, तो 6 से 8 तो मैं देहरादून में ट्रेनिंग कर रही थी, और ट्रेनिंग के बाद जब मैंने यूपी ज्वाइन किया तो सबसे पहले मेरा जो प्रोबेशन पीरियड, जो आपको ट्रेनिंग, फील्ड ट्रेनिंग दी जाती है, वो मेरी फील्ड ट्रेनिंग हुई कानपुर में। उसके बाद पहली पोस्टिंग की अगर बात करें तो एस डी एफ ओ में सहारनपुर गई, और सहारनपुर में मेरा काफी लंबा टेन्योर 5.5 साल का रहा। सहारनपुर में आपके पास एक तो देहरादून के बगल में हमारा शिवालिक का फॉरेस्ट डिविजन है, वहाँ पर इंटरेक्शन काफ़ी शिवालिक के डीएफओ के साथ रहा, देहरादून के ऑफिसर्स के साथ रहा, हरियाणा में कलेसर नेशनल पार्क है। तो इस तरह से हम करते क्या थे कि लोगों को मोटिवेट करते थे उन जंगलों में जाने के लिए और उन जंगलों के प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए। दूसरा, अगर आप कहें कि मैं किस तरह से मोटिवेट करती थी अपनी शुरुआत की सर्विस से, सहारनपुर के बाद मैं बिजनौर गई, बिजनौर के बाद फिर मैं मेरठ आई, मेरठ में भी काफी लंबा मेरा टेन्योर रहा 4 साल का, देन आई वेंट टू अलीगढ़ और आज मैं आपके सामने यहाँ लखनऊ जू की डायरेक्टर हूँ। तो मुझे ये लगता है कि जैसे आप आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं और ये आप बच्चों के बीच में इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा प्रसारित करेंगे, तो मेरा भी जो फर्स्ट चैलेंज था, मुझे लगता था कि अगर मैं अवेयरनेस क्रिएट करूं तो मैं बच्चों से स्टार्ट करूं, क्योंकि वो कहते हैं जैसे हमारे यहाँ हिंदी में जो एक सेइंग है कि पक्के घड़े में आप बिल नहीं लगा सकते, तो वैसे हमको कच्चे घड़े को मोटिवेट करना था। मैं जब सहारनपुर में भी थी और मेरठ में भी थी, जो मेरे बड़े लंबे लंबे टेन्योर्स रहे हैं, तो वहाँ पर मैं रेगुलरली स्कूल्स के साथ इंटरेक्ट करती थी। अगर मुझे याद पड़ता है कि जो मेरा प्लांटेशन का सीजन हुआ करता था, जो जुलाई अगस्त का सीजन है, तो मैं 1 महीने में लगभग 30 से 35 स्कूल कवर करती थी। और तरीका ये था कि मेरी टीम और मैं, हम मिल करके सुबह जो असेंबली टाइम हुआ करता था, उस असेंबली टाइम में हम बच्चों के पास जाते थे, क्योंकि उनकी क्लास टाइम को हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। उस असेंबली टाइम में ही हम उनको प्लांटेशन के लिए मोटिवेट करते थे, प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे, लिस्टिंग करते थे, उनसे पूछते थे ये जो पौधा हम आज आपको दे रहे हैं ये आप कहाँ लगाएंगे, कैसे इसको आप पालेंगे पोसेंगे, उसका हम ट्रेनिंग देते थे, पौधा किस तरह से लगाया जाता है वो हम उनको देते थे, और साथ ही साथ में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और बर्ड वॉचिंग के लिए हम बच्चों को मोटिवेट करते थे। हमारे यहाँ वन विभाग में 2 सप्ताह बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाए जाते हैं, एक तो वन महोत्सव और दूसरा वाइल्ड लाइफ वीक, जो कि अक्टूबर में मनाया जाता है, वन महोत्सव जुलाई में। तो इन दोनों वीक्स में मेरा यही पर्पस होता था कि जितना ज़्यादा मैं बच्चों तक रीच कर पाऊँ और उनके माइंड को ट्विक कर पाऊँ कंजर्वेशन के प्रति, तो वो मेरे लिए काफ़ी उत्साहवर्धक भी था और अपने विभाग के लिए मुझे लगता था कि मैं अगर बच्चों को मोटिवेट कर पाऊँ तो एक कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। मैम, किस तरह के चैलेंजेस, जैसे मैं जब आपके बारे में थोड़ा सा अभी सुबह पढ़ रहा था तो उसमें मैंने देखा कि हाथियों को लेकर जी आप में बड़ी रुचि रही और आपने तमाम ऐसी जगहों पर उनको प्रोटेक्ट करने का भी प्रयास किया जी, तो क्या ऐसा लगता है कि समाज में, नेचर में जो हाथी रहते हैं, वाइल्ड लाइफ के जो जीव हैं, उनसे आप इंटरेक्ट जो पब्लिक का होना चाहिए, जैसे हाथी बहुत बहुत ही प्यारा जानवर होता है जी, मतलब वो मैं भी जब फील करता हूँ, कई बार हम लोग भी कई सारी जगहों पर गए हैं, एक बार आदमी शेर को देखकर डर जाता है लेकिन हाथी को देखकर डरता नहीं, क्योंकि वो अटैकिंग जीव नहीं है। ऐसे में ऐसे शांत जीव को भी क्या लोग हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं? देखिए, वैसे अगर कहा जाए तो कोई भी जीव अटैकिंग जीव नहीं है। जीव तभी, चाहे आप सांप को देख लें, चाहे आप हाथी को देख लें, टाइगर को देख लें, लेपर्ड को देख लें,
कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो आपको अटैक करने के लिए अटैक करता है। वो दो ही रीजन से अटैक करता है जंगल में, या तो पहला शिकार के लिए जब वो भूखा है, अपनी भूख को मिटाने के लिए, दूसरा अपनी प्रोटेक्शन के लिए। जब उसको ये खतरा महसूस होता है कि मेरे ऊपर अटैक हो सकता है या मेरी जान को खतरा है, तब वो अटैक करता है, वो कोई भी जानवर हो। अब स्पेसिफिकली जो आपका क्वेश्चन है हाथी के लिए, तो हाथी रेस्क्यू में मैंने एक दो बार काम किया है। हमारे यहाँ एक एलिफेंट आ गया था सहारनपुर में, एक स्कूल में ही एलिफेंट को रखा गया था और वो मस्त में आ गया था। तो जब आपने सुना होगा मस्त में एलिफेंट आ जाता है तो वो थोड़ा डेंजरस कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको रेस्क्यू करने के लिए हमने वो सारी प्रिकॉशंस लेते हुए काम किया। और खुशी की बात यह है कि उस ना एलिफेंट को कोई नुकसान हुआ, ना जो लोग वहाँ, ना हजारों की भीड़ में लोग थे, ना उनको कोई नुकसान हो पाया। साथ ही साथ में क्योंकि मैं सहारनपुर में रही थी और बगल में शिवालिक वन प्रभाग और राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड का था, जहाँ हाथियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो मैं इंटरेक्ट कर पाई। और जहाँ भी होता था कि हाथियों के लिए, वहाँ पर एलिफेंट रिजर्व भी बना हुआ है शिवालिक वन प्रभाग में, हम कुछ कर सकते थे तो वहाँ हमने वो सब काम किए। और स्पेसिफिकली जानवरों के लिए अगर बात करें तो हम लोगों के मन में उनके लिए एक संवेदना और एक सहानुभूति होनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में हमारा पॉपुलेशन बड़ा है, हम जंगलों की तरफ जा रहे हैं, ना कि जानवर हमारी तरफ आ रहे हैं। आजकल की आपने सुना होगा कि जंगल से बाहर जानवर निकल आया, हम ये सोचना हमने बंद कर दिया है कि जंगल से जानवर बाहर नहीं आ रहा, हम जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उन जानवरों के प्रति हमको सहानुभूति रखते हुए एक मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, जो आजकल बड़ा कॉमन वर्ड हो गया है, उस सिचुएशन में हमको अपनी प्रोटेक्शन करते हुए जानवरों को एक फ्री रेंजिंग एरिया देना बहुत, या फ्री एस्केप देना बहुत जरूरी हो गया है। मैम अब आते हैं हम बच्चों पर। बच्चों को जीव बहुत प्रिय होते हैं, क्योंकि मैं पहले भी मैंने देखा है और पर्सनल लाइफ में भी अब एक्सपीरियंस मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी बच्चा है, उसको जो है हाथी देख के, गाय देख कर, जो पेट एनिमल है डॉग देख कर बड़ी खुशी होती है, उसने कैट देख लिया तो उसको बड़ी खुशी होती है, तो लेकिन ये कार्टून फॉर्म में देखने पर उनको बड़ी खुशी होती है। तो कैसे हम बच्चों को मोटिवेट करें कि अपार्ट फ्रॉम वो कि जो है मोबाइल से, टेलीविजन स्क्रीन से दूर हटकर नेचुरल जो फॉर्म है, जो नेचुरल जानवर जैसे इस चिड़ियाघर में है, तो क्या ऐसी जगहों पर उनको ज्यादा ले जाना चाहिए माँ बाप को जब भी टाइम मिले उनको, या फिर टीवी पर ही दिखाना चाहिए? देखिए ऐसा है, आजकल बहुत रिस्ट्रिक्टेड हमने अपनी लाइफ को कर दिया है, जो आप खुद भी बता रहे हैं कि टीवी पे और मोबाइल पे ही बच्चे कार्टून में देखते हैं जानवरों को। मुझे अपनी ही जीवन की एक छोटी सी बात याद आती है कि मेरी डॉटर को जब भी मैं कहीं बाहर जाती थी तो एक किताब ला करके देती थी, हमेशा गिफ्ट के रूप में मैंने उसको किताब दी। तो आज की डेट में उसको पढ़ने का शौक डेवलप हो गया, उसकी कबोर्ड में बहुत सारी किताबें हैं। वो ना करके अगर मैंने प्लास्टिक के खिलौने या और चीजें दी होती तो आज जो मेरी डॉटर बहुत सारी किताबें पढ़ती है और बहुत सारे डिबेट्स कॉम्पिटिशन और वो जीत कर आती है, तो वो शायद नहीं होता। तो ये चीज करना आज की डेट में हम पेरेंट्स के लिए बहुत आवश्यक है कि टीवी और मोबाइल से बच्चों को दूर रखने के लिए बाकी काम करें, और बच्चों का इंटरेस्ट किस तरफ जाग रहा है उसको जरूर देखें। बच्चों का इंटरेस्ट जहाँ है और नेचुरल वर्ल्ड की तरफ बच्चों को आपको इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ आते हैं, अगर आप गर्मी के मौसम में आएंगे तो आपको गर्मी भी लगेगी, अगर आपको ठंडी के मौसम में आएंगे तो थोड़ा ठंडा भी फील होगा, लेकिन ये फीलिंग देना और इससे आपके बच्चे की इम्यूनिटी को बिल्ड करना, ये दोनों चीजें आपको इसके फायदे मिलेंगे। इसके साथ साथ कि आप उनको लाइव जानवर दिखा पाएंगे, ना सिर्फ जू में बल्कि जो हमारे नेचुरल फॉरेस्ट हैं, जो हमारे नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज हैं, वहां पर भी आप घूमने अपने बच्चों को ले जा सकते हैं। फ्री रेंजिंग एनिमल कैसा दिखता है, लेकिन जब बच्चा आपका छोटा है उस व्यवस्था को नहीं समझ पाता है तो जू से अच्छी एजुकेशन देने की कोई जगह नहीं है। जू में आप हर तरह की एजुकेशन अपने बच्चे को दे सकते हैं। एक तो नेचर कैसी दिखती है, जैसे अगर हम लखनऊ चिड़ियाघर की बात करें, ये 102 वर्ष पुराना चिड़ियाघर है, हर प्रकार के छोटे पेड़ से लेके बड़े पेड़ों तक आप बच्चों को दिखा सकते हैं। डिफरेंट स्पीशीज, कितने ही पेड़ अलग अलग प्रजातियों के हमारे चिड़ियाघर में लगे हैं, जो किसी अलग अलग सीजन में फल और फूल देते हैं। तो अगर हमें जरा सी भी जानकारी, अगर जानकारी नहीं है तो चिड़ियाघर के स्टाफ की हेल्प लेकर के हम अपने बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं। दूसरा, जो एनिमल हमारे पास है, हमारे पास 85 स्पीशीज के 1000 एनिमल्स इस समय हैं, जो कि आपके हर तरह की
प्रजातियां उसमें हैं। आप फिश भी दिखा सकते हैं, आप नॉक्टर्नल एनिमल्स दिखा सकते हैं, शेर दिखा सकते हैं, लेपर्ड दिखा सकते हैं, टाइगर दिखा सकते हैं, उसके अलावा आप डिफरेंट स्पीशीज ऑफ डियर्स दिखा सकते हैं। अगर हम अपने आप भी बात करें तो हम भी आज की डेट में अगर कॉमन मैन हो, फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर ना हो, तो हम ही नहीं बता पाएंगे कि ये कौन सा वाला हिरण है। आपके सामने 10 हिरण खड़े कर दिए जाए तो आप नहीं असेस कर पाएंगे कि ब्लैक बक कौन सा है, हॉक डियर कौन सा है, बाकिंग डियर कौन सा है, चीतल कौन सा है, बारासिंगा कौन सा है। तो इन सबको आइडेंटिफाई करने के लिए आप उनको लाइव सैंपल, हिरण अगर आप कार्टून में देख रहे हैं तो हिरण जैसा हिरण दिखेगा, लेकिन ये आइडेंटिफिकेशन करना कि एक्चुअली में कौन सी स्पीशीज है वो आप जू में या जंगल में ही दिखा पाएंगे। फिर बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, जब मैं विजिटर्स को देखती हूँ, उनसे इंटरेक्ट करती हूँ, वो शेर को भी शेर कहते हैं, लायन इज शेर, लेपर्ड इज शेर, टाइगर इज शेर, और अगर उनको और बड़ी बिल्ली टाइप का कुछ दिख जाए तो वो भी शेर। तो दैट्स नॉट शेर एक्चुअली, हमको उनको एजुकेट करना रहता है कि लायन, लेपर्ड, टाइगर और बड़ी बाकी बिल्लियां जो छोटी हैं उनमें काफी डिफरेंसेस हैं। तो ये एजुकेशन आप तभी दे पाएंगे जब आप उनको लाइव सैंपल दिखाएंगे, और जू का लिटरली यही काम होता है कि वो आपको कंजर्वेशन एजुकेशन दे और उसी के साथ साथ आपको ये जानकारी उपलब्ध कराए कि ये जानवर ऐसे हैं तो क्यों है और ये जानवर हमारे लिए आवश्यक क्यों है। ये आवश्यकता बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक ऐसा जीन पूल है जो कल को खत्म हो जाएगा तो हमारी पृथ्वी का जो बैलेंस है वो खत्म हो जाएगा। पृथ्वी का जो बैलेंस है वो खत्म हो जाएगा। मैम यहाँ बहुत सारे जीव हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने एक शुरुआत की है कि हम बच्चों को ये दिखाएं कि तमाम स्कूल के बच्चे भी आते हैं बीच बीच में, वो टूर के रूप में भी आते हैं यहाँ पे, वो तो आते ही हैं खैर देखने के लिए, स्कूल कॉलेजेस ने इस तरह की व्यवस्था कर रखी है, वो रेगुलरली महीने दो महीने पर दूर दूर के बच्चे जो है आते हैं। तो आप क्या ये फील कर पाती हैं कि हर जिले में इस तरह का छोटा जू होना चाहिए? देखिए, जू मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा टेक्निक है। अगर हम हर जिले में जू खोलने लगेंगे तो उसके लिए आपको उस हिसाब की व्यवस्थाएं होना तो बहुत कुछ चाहिए, बट आपको हमेशा प्रैक्टिकली चीजें सोच करके चलना होगा। इतनी बड़ी व्यवस्था को मैनेज कर पाना हर जिले में, एक तो पहली बात है आपको इतनी बड़ी जगह मिल पाना इनिशियली बहुत मुश्किल हो जाएगा, और करने के लिए आप अगर दे भी देंगे व्यवस्था तो जितना बड़ा लखनऊ चिड़ियाघर है, 75 एकड़ में फैला हुआ ये जू है, उतनी बड़ी व्यवस्था दे पाने के लिए बहुत तैयारियां करनी होंगी। और ये एक सरकार की पॉलिसी का डिसीजन होता है कि हर जिले में जू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि इस समय उत्तर प्रदेश में हमारे पास इस पूरी बेल्ट में 4 ऐसी जगहें हैं जहाँ हम अपने बच्चों को आज की डेट में ले जा करके उनको मोटिवेट कर सकते हैं। पहला आपका इटावा का लायन सफारी, फिर लखनऊ का चिड़ियाघर, कानपुर का चिड़ियाघर और गोरखपुर का चिड़ियाघर, जो सबसे रीसेंट चिड़ियाघर है, अभी भी डेवलप हो रहा है, उसमें कई हर तीसरे दिन नई नई चीजें बन करके आ रही हैं। तो ऐसी जगहों पे अगर हम बच्चों को ले जाएंगे तो आपको दो फायदे हैं कि एक तो आप आउटडोर एक लॉन्ग ड्राइव पे बच्चों को ले जा सकते हैं, और फिर नेचुरल कंजर्वेशन एंड नेचर कंजर्वेशन एंड उसका एजुकेशन का आप बच्चों को एक जगह दिखा सकते हैं। मैम, चिड़ियाघर में तमाम जीव हैं, उनको अडॉप्ट करने की भी पॉलिसी आप लोगों ने शुरू की है, तो उसको कैसे बढ़ाया जा रहा है, कैसे लोग अडॉप्ट कर सकते हैं, क्या तरीका है? देखिए, एक हर चिड़ियाघर की ये पॉलिसी होती है कि जो भी उनके पास जानवर हैं उनको वो लोगों के साथ उनका प्यार बढ़ाने के लिए, उनका अफेक्शन बढ़ाने के लिए आप उनको एडॉप्शन की स्कीम में एड ऑन करते हैं। अब वो करते कैसे हैं, मान लिया मेरे पास 10 टाइगर है तो हम वो 10 टाइगर आपको अडॉप्शन के लिए अपनी वेबसाइट से भी पोर्ट्रे करते हैं, और अदरवाइज आप अपने हमारे ऑफिस में आकर के भी उनको अडॉप्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा फॉर्म होता है वो आपको भरना होता है, वो ऑनलाइन भी आप भर सकते हैं या फिर हमको सीधे मेल कर दीजिए, चिट्ठी भेज दीजिए, किसी भी तरीके से आप कहिए कि आप इंटरेस्टेड हैं। तो हमारी एक लिस्ट बनी हुई है सभी एनिमल्स की, उसमें हम आपको 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के लिए रेट्स बता देते हैं कि उस जानवर के ऊपर कितना पैसा खर्च होता है। अब माना हम टाइगर की बात करते हैं, एक टाइगर के ऊपर लगभग साल में हमारा 8.5 से 9 लाख रुपए का खाने का खर्चा होता है, रेस्ट में उसका मैनेजमेंट, उसका घर का मैनेजमेंट, उसकी दवाइयां, वो अलग है। तो जब हम आपको ये बताते हैं कि इस जानवर का खर्चा इतना है, तो आप जिस जानवर में इंटरेस्टेड हैं, जिस भी जानवर के साथ आप जुड़ना चाहते हैं, उसको आप हमारे माध्यम से अडॉप्ट कर लेते हैं। फिर
अडॉप्ट करने के लिए आपको उतना पैसा देना होता है जितने दिन के लिए आप उस जानवर को अडॉप्ट करते हैं, और आप कभी भी आकर, हम एक आपको आईडी कार्ड देते हैं, कभी भी आकर के आप चिड़ियाघर में, आपकी फ्री एंट्री होती है उतने दिन के लिए जितने दिन के लिए आपने अडॉप्ट किया होता है। तो ये मोटिवेट करने के तरीके हैं। आप, हम आपको एक अडॉप्शन का सर्टिफिकेट इशू करते हैं अपने सिग्नेचर से कि आप हैं, आप उसको फ्रेम करा के बढ़िया अपने ड्राइंग रूम में लगाइए कि आप एक बड़े ही प्राउड अडॉप्टर हैं जिसने एक जानवर को अडॉप्ट किया है, क्योंकि इससे बड़ी सोशल सर्विस और कोई नहीं हो सकती। वो जानवर जो किसी से कुछ मांग नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वो चिड़ियाघर में आज की डेट में बंद है, या तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं अगर उसे समय से खाना नहीं दूंगी तो भी वो कुछ नहीं कर पाएगा, अगर उसको समय से उसका कमरा साफ नहीं होगा तो भी कुछ नहीं कर पाएगा। जंगल में जब फ्री रेंजिंग एनिमल होता है तो यहाँ गंदा हो गया वो उठेगा दूसरी जगह जाके बैठ जाएगा, यहाँ एक एनक्लोजर है तो ये हमारी जिम्मेदारी है। इसी में अगर हमारे साथ पब्लिक जुड़ जाती है और वो कहती है कि नहीं, हम आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं, तो दो भाव उससे उत्पन्न होते हैं। पहला भाव आपका अट्रैक्शन, आपका अफेक्शन उसके लिए बनता है, आपको बार बार याद आता है कि वो जानवर मेरा है, मेरा है, वो कैसा होगा, कैसा होगा, क्या चिड़ियाघर वाले उसको अच्छे से रख रहे होंगे कि नहीं रख रहे होंगे। हमारे ऊपर भी एक और कंट्रोल सिस्टम बन जाता है, सरकार तो कंट्रोल कर ही रही है, एक पब्लिक का कंट्रोल सिस्टम बनता है कि क्या हम आपके अडॉप्ट किए हुए जानवर को अच्छे से रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। तो ये दोनों चीज हमारे ऊपर चेक है, और आपका जानवर के साथ अफेक्शन क्रिएट करना है, एक कनेक्शन क्रिएट करना है। जी, को जिस तरह से मैम ने भी कहा, किताबों से नजदीकी बढ़ाएं, टेक्नोलॉजी का उपयोग अपने काम के नजरिए से ही रखें, और बच्चों को भी टेक्नोलॉजी जरूर सिखाएं लेकिन नेचर से भी कनेक्टेड रखें और पुस्तकों के नजदीक रखें। बेहद शुक्रिया, नमस्कार।